हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूं रोनित, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दबंग कनेक्शन पर। क्योंकि कल सलमान खान की फिल्म दबंग 3 आ रही है और उनका जो गाना है मुन्ना बदनाम हुआ बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, मैंने सोचा कि जिस गाने के ऊपर बेस करके ये नया गाना बना है, जो गाना बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था उसके टाइम पे, उस गाने पर मैं रिएक्ट ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आज इस गाने पर रिएक्ट करने वाला हूँ। बहुत टाइम हो गया इस गाने को सुने हुए। आई रिमेम्बर मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी दोनों एक साथ निकले थे और इट वॉज अ टफ मैच। लोगों के बीच जंग छिड़ गई थी कौन सा गाना बेटर है, शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम। इवन आई वॉज थिंकिंग कि कौन सा गाना बेटर है एट फर्स्ट। लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस। मुझे शीला की जवानी ज़्यादा पसंद आई थी, आई स्टिल लव शीला की जवानी, बट यस उसके बाद मैं धीरे धीरे जब मुन्नी बदनाम बार बार सुनने लगा, आई फेल इन लव एंड आई थिंक इट स्टिल इज एन आइकॉनिक सॉन्ग। ममता शर्मा की आवाज़, ललित पंडित का म्यूजिक एंड ऑफकोर्स चुलबुल दबंग, सलमान पांडे की इन्फेक्शियस चार्म अलॉन्ग विद अमेजिंग डांस मूव्स बाय मलाइका अरोड़ा खान। Yeah, a lot of things changed since 2011. You know, don't say. That was very awkward. Anyways, let's react to this song in 3, 2, 1, and go. Main to bhar ke dance karne wala hu.
to make an entry. डांस करके मेरे पसीने छूट गए यार, मजा आ गया, बड़ा मजा आया है ना। ऐसे गाने सुन के, थोड़ा डांस करके, थोड़ी मस्ती करके, यार किसको मजा ना आया। आई लव दिस सॉन्ग एंड इतना इन्फेक्शियस है ये गाना, इतना एनर्जी है इस गाने में। आई मीन यू कैन डांस टू दिस सॉन्ग एनी टाइम, किसी भी जमाने में हो, चाहे आप 2040 में चले जाओ या फिर आप 1983 में चले जाओ, लेकिन ये गाना कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाला। ये गाना हमेशा फ्रेश रहेगा लोगों के दिलों में, एंड इट हैज अ दैट रिटर्निंग फैक्टर, यू नो, यू कैन अगेन रिपीट फैक्टर, नॉट रिटर्निंग फैक्टर, रिपीट फैक्टर। आप जब भी इसको चलाओगे तब भी डांस करने का मन करता है, डेफिनेटली। आई रिमेम्बर ये शादियों के टाइम पे इतना बजता था, इतना बज, ये और शिला की जवानी, आई मीन दे हैव टू प्ले दीज टू सॉन्ग्स बैक टू बैक, पहले शिला की जवानी, बाद में मुन्नी, या फिर मुन्नी बाद में शीला, एंड ओ माय गॉड, I had the best time, the audience had the best time in this fight. Overall, I love this song because of course, Malaika's effervescent charm, her sex appeal, her dance moves. She is amazing. She just held this song on her own. And then came Chulbul Pandey, that is Salman Khan. He was so young then, and he danced his heart out. I mean, yes, Munna Badnaam is mood itself, but Munni Badnaam is the item song of the decade. That's for sure. Guys, that was it. अगर मुझे बहुत पसंद आया गाना, अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया हो, आपने रिलीव किया हो सारी मेमोरीज, जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, और प्लीज कमेंट करते रहिएगा, अच्छे अच्छे सजेशन डालते रहिए, ताकि हमें हमेशा हर थर्सडे आप लोगों के लिए ऐसे अमेजिंग सजेशन लाते रहूँ। आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाहूँ।